वेलकम टू माई चैनल एचवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रोबोट्स ओवरलॉर्ड्स। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि आज से 3 साल पहले कुछ रोबोट्स जो कि स्पेस से इस धरती पे आए थे और उन्होंने हमारी पूरी धरती पे अपना कब्जा कर लिया था। तभी स्पेस और अर्थ के बीच में काफ़ी बड़ी जंग चली आई थी जिसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। और इसी जंग में जो स्पेस के रोबोट्स आए थे यानी कि जो एलियंस वो सभी इस जंग को जीत जाते हैं। जिसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को मारा था और कुछ लोगों को अपना बंदी बना लिया था जो कि उस जंग में बच गए थे। और वो सभी लोग अब रोबोट्स का ही कहना मान रहे थे और साथ ही इस जंग में काफ़ी सारे लोग मिसिंग भी हो गए थे। अब यहाँ पे जो स्पेस के एलियंस यानी कि जो रोबोट्स आए थे उन्होंने एक मांग रखी थी। उनका ऑर्डर ये था कि अब कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर कोई भी घर से बाहर निकलता है तो फिर इसे 10 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा और अगर वो 10 सेकेंड्स के अंदर अपने घर वापस नहीं गया तो फिर हम लोग उसे मार डालेंगे। और उन एलियंस ने जितने भी धरती पर इंसान रहते थे उन सभी के कानों के पीछे एक डिवाइस लगा रखी थी जिससे वो लोग इंसानों को ट्रैक कर रहे थे। उसके बाद हमें अब एक इंसान के जैसा दिखने वाला एक रोबोट दिखाया जाता है। उस रोबोट का काम ये था कि वो एलियंस का मैसेज इंसानों तक पहुंचाया करता था। यहाँ पे अब इंसान के जैसा दिखने वाला रोबोट अब सभी लोगों से कहता है कि हम एलियंस जो कि स्पेस से आए हुए हैं वो किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हम लोग यहाँ पे सिर्फ कुछ चीज़ों के बारे में जानने के लिए आए हैं और एक बार हमारा मकसद पूरा हो जाएगा तब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। फिर कभी भी इस धरती पे वापस नहीं आएंगे। साथ ही इंसानों की जैसे दिखने वाला रोबोट ये भी बताता है कि हम लोग एलियंस हैं कि हम लोग रोबोट्स हैं और रोबोट्स कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो वास्तव में नशे में रहता है। वो वही शूटिंग किया रहता है और वो अब अपने घर से बाहर आकर के उन रोबोट्स को गालियां देने लगता है। उन्हें काफ़ी महसूस करता है क्योंकि रोबोट्स ने उसकी वाइफ को मार दिया था और वो अपने घर से काफ़ी प्यार करता था। तभी यहाँ पे एक रोबोट आता है जो अब उस आदमी को 10 सेकेंड्स का टाइम देता है कि वो अपने घर के अंदर वापस चला जाए। लेकिन वो आदमी अपने घर के अंदर वापस नहीं जाता है जब तक कि वो उस रोबोट को और भी ज़्यादा महसूस करने लगता है। तभी अब 10 सेकेंड्स का टाइम पूरा हो जाता है और वो रोबोट अब उस आदमी को जान से मार देता है। वहीं अब घर के अंदर से उसी आदमी का एक छोटा बच्चा होता है जो ये सब कुछ सीख रहा होता है। वो अब रोते हुए बाहर आता है। अब ये भी ये रोबोट्स भी उस बच्चे को 10 सेकेंड्स का टाइम देता है कि वो अपने घर के अंदर वापस चला जाए। और ये सारी चीज़ें एक लड़की देख रही होती है जो अपने घर के अंदर होती है और साथ ही उसका बेटा शॉन वो भी सब कुछ देख रहा होता है। और वो लोग अब चिंगा करके उस बच्चे को अंदर जाने के लिए कह रहे होते हैं लेकिन वो बच्चा काफ़ी ज़ोर से रो रहा होता है और वो अंदर नहीं जाता है। अब जैसे ही वो रोबोट इस बच्चे को मारने जा रहे होते हैं हमें वहाँ पे एक आदमी आता है जिसका नाम स्माइट होता है और वो आकर के इन रोबोट्स को रोक देता है। और हमें पता चलता है कि स्माइट जो कि रोबोट्स के लिए ही काम करता है। लेकिन स्माइट ने रोबोट्स को कैसे रोका इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब स्माइट इस बच्चे की जान बचा लेता है और वहीं दो खड़ी हुई लेडी को इस बच्चे का ध्यान रखने के लिए छोड़ देता है। और अब ये लेडी स्माइट को थैंक्स छोड़ दी है इस बच्चे की जान बचाने के लिए। यहाँ पे हमें पता चलता है कि स्माइट ने इस बच्चे को इसीलिए बचाया था जो की मदर यानी कि उस लेडी को लाइक करता और उसके सामने दृश्य दिखाने के लिए उसने इस बच्चे की जान बचाई थी। और अब हमें शॉन के घर में उसके 2 सिबलिंग दिखाए जाते हैं जिनमें लड़की का नाम निक होता है और वो लोग भी अब आकर के लोगों के साथ बैठ जाते हैं। यहीं पे अब स्माइट और शॉन की मदद दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। वहीं पे अब निक जो स्माइट को बड़ा बुरा कहने लगता है इसलिए स्माइट को काफी बुरा लगता है और वो यहाँ से उठ करके चला जाता है। वहीं अब हम शॉन को देखते हैं। शॉन जो काफी सालों से अपने फादर को ढूंढ रहा था और हमें पता लगता है कि शॉन के फादर जो रोबोट्स और इंसानों के बीच हुई जंग में मिसिंग हो गए थे। और शॉन जो अपने फादर को ढूंढने के लिए काफी सारी बॉल्स को कट करता है और उन सभी बॉल्स में एक एक लेटर डाल देता है जिसके बाद वो उसे पेस्ट करके काफी दूर तक फेंक देता है। शॉन ने उन लेटर्स में लिख रखा होता है कि अगर किसी को भी मेरे फादर मिलते हैं तो फिर प्लीज आप मुझे इस नंबर पे इंफॉर्मेशन जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही करते काफी टाइम बीत जाता है जिसके बाद हमें अब शॉन और उसके दोनों सिबलिंग्स और साथ ही वो बच्चा भी दिखाया जाता है और ये सभी मिलकर के एक प्ले स्टेशन को रिपेयर कर रहे होते हैं। तभी निक जो प्ले स्टेशन को रिपेयर कर रहा होता है तभी उसे एक साहसी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है जिसकी वजह से निक को काफी तेज झटका लगता है और वो दूर जा करके गिरता है। उसी समय निक की सिस्टर उसे जो अब निक के पास आती है और उसे उठाती है। तभी वो नोटिस करती है कि निक के कान के पीछे जो डिवाइस लगी है वो अब खराब हो गई है, वो बंद हो चुकी है यानी कि वो डिवाइस अब डीएक्टिवेट हो गई थी जिसकी वजह से रोबोट्स इन्हें ट्रैक नहीं कर पाएंगे। और ये चीज़ लेकर के यहाँ पे अब जितने भी बच्चे होते हैं वो सभी समझ जाते हैं कि हमें अपने कान के पीछे लगी ये डिवाइस को कैसे डीएक्टिवेट करना है। जिसके बाद सब अपने अपने एक इलेक्ट्रिक शॉक लगाते हैं जिसकी वजह से इनकी डिवाइस डीएक्टिवेट हो जाती है। और फिर ये सभी बच्चे रोबोट्स की नज़रों से बच कर के पास के एक म्यूजियम में चले जाते हैं। और उस म्यूजियम में आने के बाद ये सभी बच्चे वहाँ पे काफी सारी चॉकलेट पाते हैं और फिर ये सभी मिल करके उन सभी चॉकलेट को खाने लगते हैं। वहीं पे अब हम उस बच्चे को देखते हैं जिसकी जान स्पाइक ने बचाई होती है। उस बच्चे को वहीं पे एक बॉल मिलती है
और ये वही बॉल होती है जो शॉन ने अपने फादर को ढूंढने के लिए, वो बच्चा अब उस बॉल को उठाकर शॉन को ला करके देता है और शॉन अब उस बॉल को चेक करता है। अभी उसे पता चलता है कि उसने बॉल के अंदर जिस लेटर को लिखा था और उसमें अपने फादर की स्केच और इन्फॉर्मेशन रखी थी, उसमें अब कोई रिप्लाई आया है और उस लेटर पे लिखा होता है कि तुम्हारे फादर जो कि बहुत अच्छे इंसान हैं और अगर तुम अपने फादर को ढूंढना चाहते हो या उनके बारे में जानना चाहते हो कि वो इस समय कहाँ पर है, तो कि तुम स्कूल जाओ और स्कूल जाने पर तुम्हें पता चल जाएगा कि इस समय तुम्हारे फादर कहाँ पर है। इसलिए शॉन अब ये डिसाइड करता है कि वो अपने फादर को ढूंढने के लिए स्कूल जरूर जाएगा। इसलिए शॉन अब इन तीनों लोगों को घर जाने के लिए कहता है, जिस पर अब निक शॉन से कहता है कि हाँ तुम अपने फादर को ढूंढने के लिए जरूर स्कूल जाओ और हम लोग तो घर जा रहे हैं। और वहीं निक की सिस्टर जो अब शॉन से कहती है कि नहीं हम लोग घर वापस नहीं जाएंगे जबकि हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे तुम्हारे फादर को ढूंढने के लिए। इस पर निक अपने सिस्टर से कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे अपनी जान बचानी है, मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ। जिस और ये बात सुनकर कि निक की सिस्टर अब निक को समझाती है कि अगर शॉन की जगह हमारे फादर होते तो फिर शॉन हमारी हेल्प करने के लिए कभी भी मना नहीं करता, तो फिर बताओ हम लोग शॉन को कैसे अकेला जा रहे थे, हमें भी उसके साथ चलना चाहिए। इसी वजह से निक भी अब रेडी हो जाता है और अब ये चारों मिलकर के स्कूल पहुँच जाते हैं जहाँ पे इन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कुछ फाइल्स को लेकर के एक दूसरी जगह पे जा रहा होता है। सारे बच्चे मिल करके अब उस बूढ़े आदमी का पीछा करने लगते हैं, जिसके बाद ये लोग एक रूम में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं। शॉन अब उन सभी फाइल्स में से अपने फादर की फाइल को ढूंढने लगता है और वो नोटिस करता है कि इनमें से कुछ फाइल्स ऐसी हैं जिनके ऊपर इमेजेस लगी हुई है और उन इमेजेस में रेड कलर का क्रॉस बना हुआ है और इसका मतलब ये होता है कि जितने लोग भी उस वॉर पर मारे गए हैं उनकी फाइल के ऊपर क्रॉस बना हुआ है और जितनी बुक की फाइल के ऊपर क्रॉस नहीं बना हुआ है इसका मतलब वो लोग डेफिनेटली जिंदा है। और शॉन समझ जाता है कि मेरे फादर की फाइल भी इन्हीं में होगी, जिसके बाद वो अगेन सेम फाइल्स को चेक करने लगता है और काफ़ी ढूंढने के बाद फाइनली शॉन को अपने फादर की फाइल में ली जाती है, उसके ऊपर रेड क्रॉस नहीं बना होता है। इसका मतलब ये था कि शॉन के फादर अभी जिंदा है, इसीलिए शॉन अपने फादर के बारे में चल और ध्यान से पढ़ता है और वो ये ढूंढने की कोशिश करता है कि लास्ट बार उसके फादर को कहाँ देखा गया था। अब यहाँ पे शॉन अपने फादर की फाइल को चेक ही कर रहा होता है, उसी समय हम देखते हैं कि अब इन सारे बच्चों की कार के पीछे जो डिवाइस डीएक्टिवेट हो गई थी वो अब एक एक करके एक्टिवेट होने लगती है और अब यहाँ पे बहुत सारे रोबोट्स आ जाते हैं जो इन बच्चों को मारने के लिए आए होते हैं। तभी यहाँ पे स्माइल आ जाता है और वो इन सभी रोबोट्स को रोक देता है, जिसके बाद वो इन सभी बच्चों को एक चेन से बांध देता है और फिर स्माइल शॉन से पूछता है कि आखिर तुमने कार के पीछे लगी हुई डिवाइस को कैसे डीएक्टिवेट किया। लेकिन शॉन जो स्माइल को कुछ भी नहीं बताता है, इसीलिए स्माइल शॉन के कान के पीछे लगी हुई डिवाइस को निकाल करके उसकी जगह एक ब्लैक डिवाइस लगा देता है और शॉन को एक स्कैन के लिए रेडी करता है। और स्माइल अब शॉन को बताता है कि तुम्हारे कान के पीछे जो मैंने ब्लैक डिवाइस लगाई है उससे मैं तुम्हें स्कैन करूंगा और मुझे ये पता लग जाएगा तुम्हारे माइंड में जो कुछ भी अभी तक चल रहा है वो सारी बातें मुझे पता चल जाएंगी। फिर हम देखते हैं कि शॉन को स्कैन करने के लिए वहाँ पे एक बहुत बड़ी डिवाइस आती है जिसके अंदर अब शॉन को फिट कर दिया जाता है और इस मशीन का काम ये होता है कि वो उस इंसान के दिमाग के सारे विश को जान लेगी और उसके माइंड को भी पढ़ लेगी, जिसके बाद वो उस इंसान के सभी विश को उसके सामने ही पूरा करेगी और उस इंसान के माइंड में जितने भी उसकी विश होती हैं वो सभी उसके सामने फौरन पूरी कर दी जाएंगी। जिसकी वजह से उस इंसान को ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी में उसकी जितने भी विश थी वो सब अब पूरी हो गई है और उसने अपनी लाइफ को भी काफ़ी अच्छे से जी लिया है। फिर वो इंसान कोमा में चला जाएगा और थोड़ी ही दिन बाद उसकी मौत हो जाएगी। और ये सारी बातें सुनने के बाद शॉन को काफ़ी गुस्सा आता है स्माइल के ऊपर, तभी इसी वजह से वो शॉन अब स्माइल को काफ़ी बड़ा बुला कहता है। स्माइल को अगेन से बुरा लगता है और वो अब शॉन को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो शॉन को मारने के लिए हाथ उठाता है तभी उस समय वो मशीन एक्टिवेट होती है जिसकी वजह से स्मैथ को एक काफ़ी तेजी से एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिसकी वजह से स्मैथ पीछे जाकर के गिरता है, जिसकी वजह से वो मशीन अब डीएक्टिवेट हो जाती है और शॉन जो अब उस मशीन से बाहर आ जाता है, जिसके बाद शॉन और उसके सभी फ्रेंड्स मिलकर के इस म्यूजियम से बाहर जाने लगते हैं। वहीं पर हम निक को देखते हैं जो अब वहाँ पर लगी हुई गैस को एक्टिवेट कर देता है और उस पूरे म्यूजियम में आग लगा देता है। और फिर हम देखते हैं कि इसी म्यूजियम में एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद शॉन और उसके सभी फ्रेंड्स मिलकर के पास के ही एक होटल में चले जाते हैं और उस होटल में एक पार्टी चल रही होती है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं और वो सभी पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जो आता है और वो शॉन और उसके सभी फ्रेंड्स को यहाँ से पकड़ के ले जाता है। वो इन लोगों को एक लेडी के पास लेके गया होता है और ये लेडी भी अब शॉन और उसके सभी फ्रेंड्स से यही सवाल पूछती है कि आखिर तुम लोगों ने इस डिवाइस को कैसे डीएक्टिवेट किया, जिस पर शॉन अब उस लेडी से कहता है कि ठीक है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने इस डिवाइस को कैसे डीएक्टिवेट किया था।
लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि मेरे फादर कहाँ पर हैं। तब हम देखते हैं कि उस लेडी और शॉन के मीटिंग डेट फिक्स हो जाती है। इसके बाद वो लेडी अब शॉन को लेकर के एक आदमी के पास जाती है। शॉन अब उस आदमी के पास जाकर के उससे पूछता है कि क्या आपने मेरे फादर को कहीं पर देखा है। जिस पर ये आदमी अब शॉन से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम इस फोटो को लेकर के नदी के पास चले जाओ, जहाँ पे जाने के बाद तुम्हें तुम्हारे सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अब हम इस मैट को देखते हैं जो अब कुछ रिपोर्ट्स को लेकर के और साथ ही शॉन की मॉम को लेकर के स्पीकर में काफ़ी जोर जोर से बोल रहा होता है कि शॉन तुम जहाँ पर भी हो मेरे पास आ जाओ, और अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो फिर हम तुम्हारी मॉम को जान से मार डालेंगे, क्योंकि तुम्हारे मॉम अब हमारे कब्जे में है। वहीं दूसरी तरफ अब हम शॉन और उसके सभी फैंस को देखते हैं। ये लोग एक बहुत बड़े पत्थर के पीछे छुपे होते हैं। तभी उनके पास एक रोबोट आ जाता है और वो रोबोट अब शॉन के पास आता है और हम देखते हैं कि शॉन से अब वो रोबोट कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद शॉन जो इंस्ट्रक्शन उस रोबोट को दे रहा होता है वो सभी इंस्ट्रक्शन वो रोबोट फॉलो कर रहा होता है, यानी कि जैसे जैसा शॉन कर रहा था वैसे ही वैसे रोबोट फॉलो कर रहा था। ये चीज़ देख करके शॉन के सभी फैंस हंसने लगते हैं और वो अब शॉन से कहते हैं कि शॉन अब ये रोबोट तुम्हारे कंट्रोल में है, लेकिन तुमने इसे अपने कंट्रोल में कैसे किया। जिस पर शॉन अपने फैंस से कहता है कि हो सकता है मेरे कान के पीछे जो ब्लैक डिवाइस लगी है उसकी वजह से ये रोबोट मेरे से कनेक्ट हो गया है, और जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही रोबोट भी कर रहा है। शॉन अपने फैंस से ये भी कहता है कि मैं अब इस रोबोट की मदद से ही अपनी माँ की जान बचा पाऊंगी। बस शॉन और उसके सभी फ्रेंड और साथ ही वो रोबोट ये लोग अब उस लोकेशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे स्मैट्स ने इन्हें बुलाया था। शॉन अब वहाँ जाकर के स्मैट्स को धमकी देता है और उसे कहता है जल्द से जल्द मेरी मॉम को छोड़ दो वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। तभी अब हम स्मैट को देखते हैं शॉन की मदर को लेकर के शॉन के पास आ जाता है। साथ ही स्मैट अब शॉन को ये भी बताता है कि जैसे ही तुम इस रोबोट के ऊपर से अपना ध्यान हटाओगे तुरंत ये रोबोट तुम्हें जान से मार डालेगा। इसमें शॉन अब स्मैट से कहता है कि थैंक यू मुझे ये बताने के लिए। इसके बाद शॉन अपनी मॉम को लेकर यहाँ पे जाना जाता है और जाने से पहले शॉन ने उस रोबोट के अंदर से उसकी बैटरी निकाल दी थी, जिसकी वजह से वो रोबोट अब डीएक्टिवेट हो गया था। और अब हम देखते हैं कि शॉन उसकी मदर और शॉन की सभी फ्रेंड मिलकर के अब उसके फादर को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी तरह अब हम इस थाइट को देखते हैं जो एक मेडिएटर से मिलता है। अब वो मेडिएटर से शॉन के बारे में सब कुछ बता देता है और यहाँ हमें मेडिएटर दिखाया जाता है, यानी कि वही रोबोट जो कि इंसानों के जैसे ही होता है। और वो रोबोट अब स्मैट से कहता है कि जाओ और जल्द से जल्द उस शॉन को फोन करके ला दे दो, और शॉन मुझे जिंदा चाहिए, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर हम तुम्हें भी स्कैन कर दे। और स्कैन होने का मतलब तो अच्छे तरीके से जानते हो। ये बात सुनकर कि स्मैट काफी डर जाता है और वो अब काफी सारे रोबोट्स को अपने साथ में करके निकल जाता है शॉन को ढूंढने के लिए। वह पता चलता है कि मेडिएटर जो सभी रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा था और मेडिएटर ही इस मिशन का लीडर भी होता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम शॉन और उसकी मदद और साथ ही सभी फ्रेंड्स को देखते हैं। ये लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए होते हैं जहाँ पे काफी बड़े बड़े से स्टोर रखे होते हैं और उन पे लिखा होता है कि सर्वाइवर्स को कहाँ पे ढूंढा जाए और वो सभी सर्वाइवर्स कहाँ पर है। वही अब हम शॉन की मदर को देखते हैं जिन्हें अब काफी दूर पे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है, और शॉन की मदर इस बच्चे को बचाने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन वो बच्चा टर्न करके काफी जोर से डांगने लगता है। और शॉन उसकी मदर और साथ ही शॉन के सभी फ्रेंड उस बच्चे का पीछा करते हुए काफी दूर आ जाते हैं। और वहीं से ये लोग इन सीरिया देखते हैं जहाँ पे लोग होते हैं और उनके हाथों में ब्लू एंड एरो होता है। और वहीं अब हम देखते हैं कि उन्हीं सब लोगों में से एक जो कि शॉन का फादर होता है, जैसे ही शॉन अब अपने फादर को देखता है तब वो उनके पास जाकर के उन्हें हक कर देता है। वहीं भी शॉन की बदन वो भी अब अपने हस्बैंड के पास आती है और उन्हें हक कर लेती है। इस पर ये दोनों काफी खुश होते हैं। यहाँ पे शॉन अपने फादर से पूछता है कि पापा आप कहाँ चले गए थे बाइक के बाद। यहाँ पे शॉन के फादर अब शॉन को बताते हैं कि जब हमारी जंग खत्म हुई थी तब हम सभी सर्वाइवर्स जो कि जिंदा थे वो एक जगह पे आकर के छुप गए थे ताकि कोई भी रोबोट हमें ना ढूंढ पाए, और तब से हम लोग यहाँ पे छुप करके रह रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इस माइक जो अभी लोगों का पीछा करते हुए यहाँ पे पहुंच जाता है, और इस माइक हमने सब काफी सारे रोबोट्स को भी लाया होता है। इस माइक अब स्पीकर ने अनाउंस करता है कि तुम सब लोग हमें शॉन को दे दो, जिसकी वजह हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे और हम लोग तुम्हें नहीं मारेंगे। साथ ही इस माइक अभी लोगों को एक धमकी देता है और एक बहुत बड़ी सी स्पेसशिप दिखाता है और उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों ने हमारा कहना नहीं माना तो फिर ये स्पेसशिप थोड़ी ही देर में ये तुम्हारी पूरे लोकेशन को एक वोल्केनो बना देगा और उस वोल्केनो में तुम सबके सब मारे जाओगे। लेकिन वहीं अब हम शॉन को देखते हैं जो एलियंस की अब मेन स्पेसशिप में चला जाता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। और ये चीज देखकर कि वो मेडिएटर अब शॉन के पास आता है और उसे देखकर भी कहता है कि वाह बहुत खूब, हम चाहते हैं कि तुम अब हमारे साथ मिल जाओ जिसके बदले हम तुम सब लोगों को छोड़ देंगे। लेकिन शॉन जो उस मेडिएटर की बात नहीं मानता है। इसके बाद शॉन अब एलियंस की मेन स्पेसशिप को दूसरे स्पेसशिप से टकरा देता है और वो दोनों स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो जाती हैं।
और जब दोनों स्पेसशिप आपस में टकराए थे तब वो मेडिएटर स्पेसशिप से नीचे गिर जाता है और शॉन जो एक रोबोट को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उसकी मदद से वो जमीन पे इसमें लैंड कर जाता है। और स्पेसशिप डिस्ट्रॉय होने की वजह से स्पेसशिप में जितने भी रोबोट्स थे वो सभी अब धीरे धीरे करके डीएक्टिवेट होने लगते हैं। वही एवं शॉन को देखते हैं जो अब उस मेडिएटर के पास जाता है और उसे अपने कंट्रोल में करके अर्थ पे यहाँ देखिए जमीन पे जितने भी रोबोट्स होते हैं उन सभी को डीएक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वो मेडिएटर भी डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन मेडिएटर डीएक्टिवेट होने से पहले वो शॉन से कहता है कि सब कुछ कत्ल नहीं हुआ है, याद रखना कि हम लोग दोबारा से फिर आएंगे। इसके बाद ये मेडिएटर पूरी तरीके से डीएक्टिवेट हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि पूरी अर्थ पे जितने भी रोबोट्स होते हैं वो सभी भी अब खत्म हो गए होते हैं। इसी वजह से जितने भी इंसान थे वो सभी जो घर के अंदर अभी तक बनते वो सभी अब बाहर आकर के अपना सेलिब्रेशन करते हैं। साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि इसमें इन सभी रोबोट्स को अपने कंट्रोल में कर रहे रहा क्योंकि वो कोई नॉर्मल पीपल नहीं जबकि वो भी एक एलियन था, इसी वजह से वो उन सभी रोबोट्स को अपने कंट्रोल में कर रहा था। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।